नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। 14 सितंबर को पूरा भारत हर साल की तरह इस बार फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने जा रहा है। देश के संविधान ने देवनागरी लिपि वाली हिंदी को तरजीह देते हुए आधिकारिक राजभाषा का दर्जा देकर उसका उत्थान किया था। हिंदी को उसकी सम्मानजनक जगह दिलाने के लिए वो एक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन फिर भी देश में अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता गया, तो इसके पीछे कुछ कारण थे। 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ था, तब इस देश में कई भाषाएं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती थीं। इनमें हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी। आज के दौर में दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी चौथे पायदान पर खड़ी एक समर्थ भाषा है। इंटरनेट सर्च से लेकर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी का दबदबा पहले से बढ़ा है। 2001 की जनगणना के मुताबिक लगभग 25.79 करोड़ भारतीय अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी का उपयोग करते हैं, जबकि लगभग 42.20 करोड़ लोग इसकी 50 से भी ज़्यादा बोलियों में से एक का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियों में अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, हरियाणवी, कुमाऊनी, मगधी और मारवाड़ी जैसी बोलियाँ शामिल हैं। आज़ादी के बाद जब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो भारत की भाषा क्या होगी, इस सवाल को लेकर लंबी चर्चाओं और विमर्श का दौर चला था। किसी भी देश की आधिकारिक भाषा वही हो सकती है जो राष्ट्र को जोड़ने का काम करती हो। उस वक्त ज़्यादातर रियासतों में हिंदी बोली, पढ़ी लिखी और समझी जाती थी। उस दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग लगातार उठ रही थी। फिर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को राजभाषा बनाने के मुद्दे पर संसद में 3 दिन तक 12 सितंबर की दोपहर से लेकर 14 सितंबर की दोपहर तक बहस हुई थी। 13 सितंबर 1949 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में चर्चा के दौरान कहा था कि किसी भी विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता। कोई भी विदेशी भाषा आम लोगों की भाषा नहीं हो सकती। भारत के हित में, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के हित में, ऐसा राष्ट्र बनाने के हित में जो अपनी आत्मा को पहचानता हो, जिसे आत्मविश्वास हो, जो संसार के साथ सहयोग कर सके, हमें हिंदी को अपनाना चाहिए। संविधान सभा की भाषा विषयक बहस लगभग 278 पन्नों पर छपी थी। इसमें डॉक्टर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और गोपाल स्वामी अय्यंगर की अहम भूमिका रही थी। आखिरकार अधिकतर सदस्यों ने देवनागरी लिपि को ही स्वीकार किया। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343 के 1 में ये कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप जैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक तौर पर 15 साल बाद यानी 1965 तक प्रचलन से बाहर करना था। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तब हिंदी समेत 14 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में 8वीं अनुसूची में रखा गया था। संविधान के मुताबिक 26 जनवरी 1965 को अंग्रेजी की जगह हिंदी को पूरी तरह से देश की राजभाषा बनना था और उसके बाद विभिन्न राज्यों और केंद्र को आपस में हिंदी में ही संवाद करना था। इसे आसान बनाने के लिए संविधान ने 1955 और 1960 में राजभाषा आयोगों के गठन का भी आह्वान किया। इन आयोगों को हिंदी के विकास पर अपनी रिपोर्ट देनी थी और इन रिपोर्ट्स के आधार पर संसद की संयुक्त समिति द्वारा राष्ट्रपति को इस संबंध में कुछ सिफारिशें करनी थी। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में रहने वाले लोगों को तब ये डर था कि हिंदी की मुख्यधारा की भाषा बन जाने से वो उत्तर भारतीयों की तुलना में अलग अलग क्षेत्रों में कमजोर स्थिति में होंगे। हिंदी विरोधी आंदोलन के बीच साल 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, जिसने 1965 के बाद अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रचलन से बाहर करने का फैसला पलट दिया। हालांकि हिंदी का विरोध करने वाले इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे और उन्हें लगा कि इस कानून में मौजूद कुछ अस्पष्टताएं फिर से उनके खिलाफ जा सकती हैं। 26 जनवरी 1965 को हिंदी देश की आधिकारिक राजभाषा बन गई और इसके साथ साथ दक्षिण भारत के राज्यों, खासतौर पर तमिलनाडु या तत्कालीन मद्रास में
आंदोलन और हिंसा का एक जबरदस्त दौर चला और कई छात्रों ने आत्मदाह तक कर लिया। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में सूचना और प्रसारण मंत्री रही इंदिरा गांधी की कोशिशों से इस समस्या का समाधान निकला, जिसके नतीजतन 1967 में राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया गया कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य चाहें तब तक अंग्रेजी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में आवश्यक माना जाए। इस संशोधन के माध्यम से आज तक ये व्यवस्था जारी है। तब से लेकर आज तक कागजी तौर पर तो हिंदी राजभाषा बनी रही, लेकिन फली फूली और समृद्ध होती गई अंग्रेजी भाषा। धीरे धीरे देश की सरकारी मशीनरी ने हिंदी पर अंग्रेजी को तरजीह देते हुए उसी का चोला ओढ़ लिया। इसके बाद अंग्रेजी भाषा की सरकारी व्यवस्था में आधिकारिक तौर पर पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत होती गई और पूरे सिस्टम पर अंग्रेजी हावी होती चली गई। चूंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान संविधान के भाग 17 में किए गए थे, इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण 1953 से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने हर साल 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाए जाने का फैसला किया। इस दिन हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के बौद्धिक आयोजन किए जाते हैं। सत्ता और समय के साथ साथ व्यवस्था में भी कई चीज़ें बदलती हैं। लिहाजा 2014 में जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा नीत NDA सरकार बनी तो सियासत से राजकाज और विदेश नीति तक में हिंदी को ज़्यादा तरजीह मिलने लगी। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के अधिकांश संवाद और ट्वीट भी हिंदी में किए जाने लगे हैं। प्रधानमंत्री भी वैश्विक मंचों पर हिंदी को बढ़ावा देते रहे हैं और तो और अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हिंदी को प्राथमिकता दी गई है। किशोरावस्था तक बच्चों की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में कराने के साथ ही इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा पाठ्यक्रम भी हिंदी भाषा में शुरू किए जा रहे हैं। तो आज़ादी के दौर से लेकर आज तक की हिंदी की स्थिति को बताने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचाएं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें जो हमारे हर ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाएगी। नमस्कार।